नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। दरभंगा बस स्टैंड में आज अतिक्रमण को हुआ आक्रमण। अवैध रूप से बने दुकान और मकान की हुई तोड़फोड़। जी हां, दरभंगा बस स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान हो गया शुरू। इसी क्रम में प्रशासन के द्वारा दिए गए 25 तारीख तक खाली करने के अल्टीमेट डेट के बाद आज यानी 26 तारीख को दरभंगा बस स्टैंड में बने सभी अवैध दुकानों पर चली बुलडोजर। वहीं कई दुकानदारों का सीधा आरोप दिखा प्रशासन और नगर निगम के प्रति। उनका कहना था कि जब यह दुकान अवैध रूप से बनाई है, हमें दुकान बनाने समय क्यों ना रोका गया, बल्कि हमसे नगर निगम के नाम पे रसीद काट कर हमसे पैसा लिया गया। वहीं इस संबंध में हमने जब दरभंगा सदर के सीओ से पूछना चाहा तो उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह निकल के आ रहा है कि अतिक्रमण के नाम पर गरीब ही लोग क्यों पिस रहे हैं। जो अमीर है, जिनका दुकान या बड़े बड़े मॉल अवैध रूप से बने हुए हैं, वो आज भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। सामान बेचते थे बाबू, खाते थे, जीते थे। क्या हुआ? अब सरकार अपना हटा दिया तो हट जाते हैं। क्या आप लोगों को परमिशन मिला था यहाँ दुकान लगाने के लिए? यहाँ परमिशन नहीं मिला, परमिशन वहाँ मिला हुआ है बाबू। तो फिर यहाँ दुकान क्यों लगाए थे? सामान जो न क्षति हुई है लगा लिए, सब लगाया, हम भी लगा लिए बाबू, सब लगाए था, हम भी। प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया सबको। हाँ। घर का रोजी रोटी कैसे चलेगा आप लोग का? कैसे चलेगा, कहीं चौक चौराहा पर कोई काम करेंगे ना तो हरिया बर्तन धोएंगे, जिएंगे, क्या करेंगे। नगर निगम को आप पैसा भी देते थे? पैसा आता था पहले, तो दो गो टोकन दिया 3 गो समय साल में, और फिर नहीं आया था, नहीं दिए बाबू। कब का टोकन है? ये दुकान बैठा है, 5 गो टोकन दिए। नहीं, यहाँ पे ये जो अभी अतिक्रमण मुक्त हो रहा है, इस पे तो आप क्या बताएंगे? ना क्या बताएंगे हम, पब्लिक का आरोप है कि आप नहीं है। हम इसके लिए यहाँ पे घटनास्थल पे सीओ ही बयान देंगे ना, पर सीओ है जितना आदेश से काम कर रहे हैं। तो इस संबंध में जानकारी कौन देगा? इस संबंध में हम जानकारी नहीं दे। जो आदेश है सर, जो अभी घटनाक्रम पे आपने, आपको क्या आदेश मिला वे बता दीजिए। वो बताइए, हटाने का अधिकार है, यही चीज बता दीजिए। ये कहाँ पे अतिक्रमण हटा रहे हैं आप? अब जहाँ देख रहे हैं, दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के अंदर की। मैं बाइक देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, मैं बाइक नहीं दे सकता।